ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर में निजामुद्दीन मरकज प्रमुख साथ के साथ ससुर समेत उनके परिवार के लोग किए गए होम क्वारंटाइन। थाना मंडी क्षेत्र के मोहल्ला मुफ्ती में है मौलाना साद की ससुराल। मौलाना साद के दो रिश्तेदार जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, मौलाना साद की ससुराल में भी गए थे वे लोग। पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन किया इन्हें होम क्वारंटाइन, वहीं चार के विरुद्ध किया मामला दर्ज। जिलाधिकारी ने विस्तार पूर्वक दी जानकारी। गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जिन जनपदों में 15 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। इस जनपद में हम लोगों ने कुल 20 जो कंटेनमेंट जोन है, स्पेशल जोन जिसको रेड जोन भी कह सकते हैं, जिसको आप हॉटस्पॉट कह सकते हैं, वो हम लोगों ने चिन्हित किया है और चिन्हित करके उनमें हम लोग पूरी तरीके से वहाँ पर लोगों का बाहर निकलना, बाहर से लोगों का आना जाना ये हम लोगों ने प्रतिबंधित किया हुआ है। जो भी उनकी दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको हम लोग उनके घर पर ही उपलब्ध करा रहे हैं और हम लोग अब बड़ा ही एग्रेसिव तरीके से जो हम लोग सैंपलिंग की संख्या है, हम लोग सैंपलिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। करीब हम लोग 150 से 200 सैंपलिंग प्रतिदिन करा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जल्दी जो भी लोग इसमें अगर कोई किसी तरीके का लोगों में संक्रमण है तो उसको जल्दी से हम लोग टैप कर लें और उसमें जो भी निरोधात्मक और आवश्यक कार्रवाई है वो हम लोग करें। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग अपनी ट्रेनिंग जिस तरह से है हम लोग उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे। मैंने कहा कि जो लोग भी बार बार हम लोग विभिन्न माध्यमों से, प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बार बार अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी 1 मार्च के पश्चात निज़ामुद्दीन मरकज़ में गए थे वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करें, स्वयं आकर बताएं। इसके लिए हम लोगों ने तमाम नंबर भी फ्लैश किए थे, कंट्रोल रूम का भी नंबर था, CMO का नंबर था, तमाम नंबर थे, पुलिस थाने का नंबर था, पर इसके बावजूद काफ़ी लोगों ने खुद भी बताया पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बार बार बताने के बावजूद इस चीज़ को छिपाया और फिर उसके बाद उनके मोबाइल, जो लोग भी इस तरह के संदिग्ध लोग थे उनको हम लोगों ने उनका CDR, उसको हम लोगों ने उसको ट्रैक किया और CDR के पश्चात हमको ये पता चला कि वो लोग जो है दिल्ली गए थे और मरकज़ में भी उनकी जो है लोकेशन पाई गई थी। इसके पश्चात उन लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन करा के उनका हम लोगों ने सैंपल लिया। सैंपल लेने के पश्चात वो लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसी स्थिति में अब उस पर्याप्त मौका देने के बावजूद अगर जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, चाहे वो एपिडेमिक एक्ट में है, IPC की सुसंगत धाराओं में है और आपदा प्रबंधन एक्ट में है, सभी धाराओं में उनके खिलाफ़ हम लोग जो है कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि वो दूसरे लोगों के लिए भी सबक बने कि मतलब ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने अगर आप प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रशासन बाध्य होकर उनके खिलाफ़ कठोरतम कार्रवाई करेगा।